हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेंसकी मार्टिन क्लोज कप एपरेटस। ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालने के लिए होता है। और फ्लैश एंड फायर पॉइंट का सिंपल लैंग्वेज में समझे हम तो ये होता है कि किसी भी ऑयल का जो एक टेम्परेचर हमको निकालना, जिस टेम्परेचर पे वो बर्न होना स्टार्ट होता है, तो बर्न होना स्टार्ट होता है उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, और जब वो कम्प्लीटली बर्न होता है तो उसको हम फायर पॉइंट बोलते हैं। इसके डिटर्मिनेशन के लिए पेंसकी मार्टिन एक बहुत अच्छा एपरेटस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एपरेटस भी आपको पूरा जो है परफॉर्म करके दिखाने वाली हूं मैं। उसके पहले जल्दी से एक लाइन डायग्राम को हम दो मिनट में समझते हैं। लाइन डायग्राम में यहाँ पर ये है ऑयल कप, जिसको जिसमें हमको ऑयल को भरना होता है, और यहाँ पर हमने ऑयल जिसका की टेस्टिंग करना है उसको हमने भर दिया, जिसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालना है। यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट हीटिंग देते हैं, तो इनडायरेक्ट हीटिंग देने के लिए यहाँ पर ये जो दिखा रहे हैं दिस इज फ्लैंज, इसको हम एयर बाथ भी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग ना दे करके हम इनडायरेक्ट हीटिंग देते हैं। कारण ये है कि एयर जो होता है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से स्लो स्लो हीटिंग जो है वो हमको मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको हम क्लोज कप बोल रहे हैं, मींस यहाँ पर ये पूरा एक लिड लगा हुआ होता है, और लिड लगा हुआ होता है तो उसमें फोर ओपनिंग्स होती हैं। तो जो यहाँ पर फर्स्ट ओपनिंग जो दिखाई दे रही है दिस इज फॉर स्टिरर, ये यहाँ पर एक मैकेनिकल स्टिरर लगा हुआ होता है, और स्टिरर के थ्रू हम यहाँ पर ऑयल के टेम्परेचर को यूनिफॉर्मली हीट कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो होता है वो एक टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, थर्मामीटर। तो यहाँ पर एक ये हमने थर्मामीटर लगा दिया है, तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ ओपनिंग जो होती है, तो थर्ड ओपनिंग जो होती है वो होती है टेस्ट फ्लेम की। तो ये टेस्ट फ्लेम लगा हुआ है और ये पायलट बर्नर लगा हुआ है, तो पायलट बर्नर और टेस्ट फ्लेम से हम यहाँ पर फ्लेम जो होती है उसको ऑयल से जो वेपर्स निकलती होती है उसके कॉन्टेक्ट में लेकर के आते हैं, और वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होता है कि यहाँ पर हमारा जो वेपर्स है वो किस टेम्परेचर पे बर्न होना स्टार्ट होती है। तो यदि हमको एक फ्लैश दिखाई देता है उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से हम नोट कर लेते हैं, और जब वो 5 सेकंड तक कंटिन्यूअसली बर्न होता है उस टेम्परेचर को नोट कर लेते हैं, और वो हमारा दोनों फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो है वो होता है। फोर्थ ओपनिंग जो होती है वो एयर की होती है, क्योंकि अंदर एक्चुअल में हमने क्लोज कर दिया वेसल्स, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और यदि हम उसको जो है एयर रिलीज नहीं करेंगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसके एयर को रिलीज करने के लिए यहाँ पर एयर की भी ओपनिंग्स यहाँ पर होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शटर लगी हुई होती है, और जो शटर जो होती है ये यहाँ पर लीवर मैकेनिज्म पे वर्क करती है। तो लीवर मैकेनिज्म पे वर्क करती है, और यहाँ पर ये जो है हमारा टेस्ट फ्लेम की ओपनिंग और एयर की ओपनिंग जो है उसको ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए यहाँ पर शटर लगी हुई होती है, और ये बर्नर है जिससे हम हीट करते हैं। बस अब हमको बर्नर चालू करना है, एयर की वेपर्स निकलेंगे उन वेपर्स को जलाना है, और दो टेम्परेचर नोट करना जिसपे वो बर्न होना स्टार्ट होता है और जिस पर वो 5 सेकंड तक कंटिन्यूअसली बर्न होता है। यही हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट है। अब इसके बाद हम इसके एपरेटस को अच्छे से समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट पेंसकी मार्टिन्स क्लोज कप एपरेटस। इस एपरेटस के थ्रू हम ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। इसके सारे जो डिस्क्रिप्शन और पार्ट्स हैं और इसकी जो प्रोसीजर है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो पेंसकी मार्टिन्स है इसके जो एपरेटस हैं और इसके जो पार्ट्स हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिस इज हीटर। यहाँ से हम टेम्परेचर दे करके ऑयल को गर्म करते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है दिस इज फ्लैंज, और इसको फ्लैंज को हम यहाँ पर जो भी हीटर है उस हीटर में हम यहाँ पर इसको पूरा इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर ये हॉलो यहाँ पर स्पेस होने की वजह से इट इज एक्ट एज अ एयर बाथ की तरह ये यहाँ पर काम करेगा। एयर यहाँ पर भरेगी और एयर के गर्म होकर के
एयर के थ्रू यहाँ पर अंदर ऑयल गर्म होगा। अब यहाँ पर ये आपको ऑयल कप दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑयल कप। ऑयल कप में यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज पॉइंटर। यहाँ तक हमको ऑयल का लेवल जो है वो यहाँ तक रखना है, यहाँ तक हम इसको भरेंगे और इसको हम यहाँ पर जो एयर बाथ है इस पर ये सॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसका एक लिड है और लिड जो है वही एक कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिड हमको दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको हम क्लोज कप एपरेटस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ इसको हमने यहाँ से इसको सेट कर दिया है और ये इस तरीके से हमारा ऑयल कप जो है वो बंद हो गया है। अब इस जो हमारा जो लिड है इसमें फोर ओपनिंग्स होती हैं, तो सबसे फर्स्ट ओपनिंग जो है दिस इज फॉर थर्मामीटर। ये जो ओपनिंग है दिस इज फॉर थर्मामीटर और यहाँ पर हम जो है मीटर को इमर्स करेंगे और ऑयल का टेम्परेचर जो है वो हम यहाँ पर इसको मेजर कर सकते हैं। फिर सेकंड जो ओपनिंग अपने को दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर स्टरर। ये स्टरर है, ये यहाँ पर इसको हम मैकेनिकल स्टरर बोलते हैं और मैकेनिकल स्टरर में यहाँ पर हम स्टरर जो है इस तरीके से इसको हम एक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं और ये कनेक्ट होकर के ये इस तरीके से मूव करता है। तो मूव करने से जो अंदर जो यहाँ पर ये जो आपको स्टरर दिखाई दे रहा है ये मूव करता है और मूव करने से ऑयल जो है वो यूनिफॉर्मली हीट होता है। तो दो ओपनिंग्स हो गई हमारी, एक फर्स्ट जो है वो थर्मामीटर की है और सेकेंड जो है वो स्टरर की है। उसके बाद दो ओपनिंग्स और हमको यहाँ पर जो है वो काम करती हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो ये यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये शटर लगी हुई है जो कि लीवर मैकेनिज्म की तरह काम करती है, ये इस तरीके से इसको मूव कराने से दो ओपनिंग्स और हमको दिखाई देती हैं। ये क्लोज हो गया है और ये इसको हमने इस तरीके से किया तो दो ओपनिंग्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये जो यहाँ पर जो ओपनिंग्स है ये देखिए, इसकी जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन इस तरीके से रहेगी। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये आपको जो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज टेस्ट फ्लेम। और जो यहाँ पर ये जो बेंड दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से जो बेंड है, दिस इज पायलट बर्नर। और ये जो है ये टेस्ट फ्लेम है। जब हम इसको मूव कराते हैं, इसको हम यहाँ पर शटर के थ्रू मूव कराते हैं तो ये ओपनिंग्स दो हमको ओपन दिखाई देती हैं। इसमें एक जो है वो टेस्ट फ्लेम की है, यहाँ पर टेस्ट फ्लेम को हम जलाएंगे और टेस्ट फ्लेम को हम जला करके अंदर जो ऑयल की वेपर्स हैं उनको हम जलाते हैं। और दूसरी जो ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फॉर एयर। अंदर का एयर प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो ये ब्लास्ट हो सकता है। तो एयर प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पर एयर की ओपनिंग्स दी हुई। तो चार ओपनिंग्स हमारी हो गई, फर्स्ट फॉर थर्मामीटर, सेकेंड फॉर स्टरर, थर्ड फॉर टेस्ट फ्लेम, ये यहाँ पर टेस्ट फ्लेम, एंड फोर्थ फॉर एयर। और चारों के अपने जो है यहाँ पर ये फंक्शन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम ऑयल कप जो है उसमें हम ऑयल को भरेंगे। ऑयल कप में हम ऑयल को भर देंगे। ऑयल को भरने के बाद इसका लिड जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। थर्मामीटर जो है वो हम यहाँ पर इमर्स करा देंगे। थर्मामीटर हमने इमर्स करा दिया है और स्टरर जो है इसको हम मैकेनिकल मोटर से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब ऑयल को भरेंगे और यहाँ से जो हमको टेम्परेचर देना है, गर्म करना हीटर को, इसके लिए हमने पॉइंट बनाया हुआ है। इसको हमने यहाँ पर थर्मोस्टेटेड से कनेक्ट कर दिया है। थर्मोस्टेटेड से कनेक्ट करने पर हमको टेम्परेचर रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है। जितना भी टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है उसके हिसाब से हम इसको मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर देने पर यहाँ से ऑयल की वेपर्स निकलती हैं। एवरी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंटरवल पर हम इसके टेस्ट फ्लेम को हम यहाँ पर ऑयल की जो वेपर्स अंदर से निकल रही होती हैं उसके कांटेक्ट में लेकर के आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कोई एक फ्लैश दिखाई दे रहा है। यदि कोई फ्लैश दिखाई देता है दैट इज फ्लैश पॉइंट, उसको हम थर्मामीटर से नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं और फिर एवरी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे ही इंक्रीज होता है हम फिर से टेस्ट फ्लेम को ऑयल की वेपर्स में इंट्रोड्यूस कराते हैं।
यदि हमारा ऑयल की वेपर्स 5 सेकंड तक कंटिन्यूअसली बर्न होती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं फायर पॉइंट। तो हमारा फ्लैश एंड फायर पॉइंट का डिटर्मिनेशन ये पेंस्की मार्टेंस की थी। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन पे आप लिखकर बताइए, मैं उसके और भी इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो और अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।